हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये हम बनाएंगे ऑरेंज चिकन, वो भी बिल्कुल मेरे स्टाइल में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक हम अपना ऑरेंज चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने करीब 1 किलो चिकन ले रखा है और इसमें जो है सो हम क्रस्ट किया हुआ थोड़ा सा जिंजर और गार्लिक डालेंगे। ये ऑल पर्पज़ फ्लोर देंगे हम। और जो है सो अपना कॉर्न स्टार्च डालेंगे। इसमें जो है सो हम पेपर क्रश डालेंगे, ब्लैक पेपर क्रश। फ्रेंड्स, आपको जो है सो रेसिपी जो क्वांटिटी है रेसिपी आइटम्स के, वो मेनू में मिल जाएगा। ये कुछ सीजनिंग में डाल रही हूँ। इसमें हम थोड़ा पेपर क्रश डालेंगे, चिली फ्लेक्स। अब फ्रेंड्स, इसको हम जो है सो मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है सो चिकन मैंने मैरिनेट कर लिया है अपने मैदे और कॉर्न स्टार्च के साथ, और इधर मैंने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था। ये इसको जो है सो मीडियम लो हीट पर रखें, क्योंकि चिकन जो है सो अंदर से गलना भी चाहिए। तो अब हम जो है सो अपना चिकन फ्राई करेंगे। चिकन जो है सो आप छोटे छोटे पीसेस में काट करके रखें। और अब इसको जो है सो हम फ्राई होने देते हैं। इसको हम ढक कर के पकाएंगे ताकि वो जल्दी से पक जाए। और फ्रेंड्स, जब तक हमारे ये सारे चिकन फ्राई होते हैं, तब तक जो है सो हम कुछ और तैयारी कर लेंगे। जैसे कि हम अपना जिंजर गार्लिक फिर से क्रश करेंगे, अनियन चॉप करेंगे और ग्रीन चिली चॉप करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसको जो है सो पलटते हैं। ये एक साइड हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है सो हम पलट दे रहे हैं। तो इस तरह से जो है सो हम अपने सारे चिकन्स को पलट लेंगे। फ्रेंड्स, हमें चिकन लाइट रेड ब्राउन कलर में फ्राई करके और निकालना है। तो फ्रेंड्स, एक बार जब ये पक जाए तो हम इसे जो है सो फिर से फ्लिप कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा जो है सो इसका हीट हम बढ़ा देंगे ताकि ये ब्राउन कलर में आ जाएगा तुरंत से। ये अब अंदर पक चुका होगा। तो एक पहले से ही हाई हीट पर रखने के क्या होगा कि ये आपका रेड तो हो जाएगा, बट चिकन जो है सो आपका अंदर से टेंडर नहीं होगा और वो पकेगा नहीं, तो वो कच्चा ही रह जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे जैसे चिकन आपका फ्राई होता जाएगा, ये थोड़ा सिकुड़ता जाता है, तो आप साइड से और भी दूसरा चिकन डाल सकते हैं कि जिससे कि जैसे जैसे आप ये चिकन अपना निकालते जाएंगे तो जल्दी से आपका ये चिकन फ्राई हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और अब हम इसे एक एक करके निकाल लेते हैं। अपना सेकंड बैच फ्राई करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड, हम अपने सारे जो चिकन है वो फ्राई कर लेंगे। अब हम अपना जो लास्ट बैच है वो फ्राई कर रहे हैं, और जब तक ये हमारा पूरी तरह से फ्राई होता है, अब हम इसके जो है तो सॉस तैयार कर लेते हैं।
फ्रेंड्स इधर मैंने एक पैन चढ़ा रखा है, थोड़ा बड़ा पैन लेंगे हम क्योंकि करीब 1 किलो चिकन है, तो उसको मिक्स करने में अच्छा रहेगा। तो ये मैंने ऑयल डाल रखा है इसमें और इसको हम थोड़ा हीट होने देते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा ऑयल जो है सो गर्म हो गया है, तब हम इसमें जो है सो सबसे पहले अपना अनियन डालेंगे और इसको हल्का फ्राई करेंगे। पहले जब हम इस तरह से सॉस बनाएंगे तो पहले जो है सो मीडियम हाई हीट पर जो है सो हम अपना तड़का फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो अनियन है वो हल्का फ्राई हो गया है, अब हम इसमें जो है सो ग्रीन चिली डालेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हो तो ग्रीन चिली चॉप्ड करके डालें। और ये जो है सो हमारा जिंजर गार्लिक का क्रस्ट है, आप चाहे तो फाइनली चॉप भी कर सकते हैं इसको। और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा चिकन जो है सो वो फ्राई हो चुका है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमारा चिकन जो है सो फ्राई हो चुका है ऑरेंज चिकन के लिए, कितना ये अच्छा कलर आया है आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसी कलर का बनाना है। ये इधर हमारा जो है ये सारे स्पाइसेस जो है सो इसमें फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल जलाना नहीं है, हल्का फ्राई करना है, जल्दी करो। अब हम इसमें पहले सोया सॉस डालेंगे। फिर हम इसमें जो है सो अपना वाइट विनेगर डालेंगे। वाइट विनेगर और जो सोया सॉस है वो करीब 1 प्रोपोर्शन में पड़ेगा। अब हम इसे इस तरह से मिक्स कर लेते हैं पहले। अब हम इसमें रेड चिली सॉस डालेंगे, आप चाहे तो रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं अगर ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो। जो है सो फिर से स्टर कर लेते हैं। ये मिक्स होने के बाद अब हम इसमें जो है सो जरा सा पानी डालेंगे पहले। तो फ्रेंड्स अब मैं इसमें जो है सो ऑरेंज जूस डालूंगी। ये ऑरेंज जूस जो है सो मेरा स्वीट इसमें ऑलरेडी है, तो मैं इसमें शुगर नहीं डाल रही हूँ। अगर आपको स्वीटनेस ज़्यादा पसंद है और या आपका जूस जो है सो सिर्फ ऑरेंज है जिसमें कि शुगर ना हो तो आप उसको शुगर डाल सकते हैं। मैं उसकी क्वांटिटी जो हो सो मेनू लिस्ट में डाल दूँगी। और अगर आपके पास जूस ना हो तो जूस की जगह आप फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट जूस ही ले लिया है जिसमें कि ऑलरेडी शुगर था। और अब हम इसे जो है सो पूरी तरह से हाई हीट पर बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं अभी। और फ्रेंड्स नमक जो है सो आप टेस्ट कर ले, क्योंकि जब चिकन फ्राई कर रहे थे तो उसमें सीजनिंग थी, उसमें सॉल्ट था, जो हमारे सॉसेस हैं उनमें भी सॉल्ट है, तो आप टेस्ट करके फिर आप नमक यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसको थिक होने तक बॉईल होने दें, आप मीडियम हाई हीट पर रखें और इसको एटलीस्ट हाफ रिड्यूस होने के लिए दें। फ्रेंड्स हम इसमें जो है सो ऑरेंज जस्ट डालेंगे। ऑरेंज जस्ट जो है सो बिल्कुल लाइटली जो है सो आप इसको स्क्रैप करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि ऑरेंज का जो इसका जो स्किन है वो ज़्यादा घिस जाए, नहीं तो फिर ये थोड़ा तीता लगेगा, तो इसलिए जो है आप संभल के करें। और इधर फ्रेंड ये मैंने थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च ले रखा है, हम इसको पहले घोल लेते हैं। 5 मिनट के बाद बॉइलिंग के बाद हम इसमें जो है कॉर्न स्टार्च मिक्स कर देंगे, जो है सो अब स्टर करते रहेंगे, ये थिक होता चला जाएगा। और आपको जो है सो कंटिन्यू बीच बीच में इसको स्टर करते रहना होगा, ताकि जो है सो आपका स्टार्च पैन को पकड़े नहीं और ना ही इसमें लम्प्स बने, तो इस बात का आप ध्यान रखें।
तो फ्रेंड्स ये जो है तो हमारा सॉस थोड़ा थिक हो चुका है, और अब हम इसमें जो है सो अपना जो चिकन फ्राई किया हुआ है मैंने वो हम डालेंगे। आप चाहें तो इसे सॉसी भी रख सकते हैं अगर आपको सॉस चाहिए, अगर आप ड्राई एज अ स्नैक खाना चाहते हैं तो इसको स्नैक की तरह रखें। तो हम इसको पूरी तरह से ड्राई कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑरेंज चिकन रेडी हो चुका है। तो हम इसे जो है तो थोड़ा सा सॉसी रखेंगे, ये थोड़े टाइम में पूरा ड्राई हो जाएगा, जब तक ये ठंडा होगा आपका तो हल्का सॉसी ही हम इसे, अब हम इसको फ्लेम हम अपना बंद कर देंगे और थोड़ी देर हम इसे इस पर ठंडा होने देते हैं, और अब हम जो है सो इसको सर्व कर लेते हैं, प्लेट प्लेट में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा ऑरेंज चिकन तैयार है। इसी पैन में हम अपना मिलेट नूडल भी फ्राई कर लेंगे, ये मैंने पहले से बॉईल करके रखा था। इसमें हम जरा सा सेसमे ऑयल डालेंगे, बस अब हम हल्का इसमें भून लेते हैं। आप चाहे तो इसमें सॉल्ट भी डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स आप इस ऑरेंज चिकन के चिकन को आप पराठे के साथ, वेज फ्राइड राइस और नूडल के साथ सर्व कर सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर से करें। बाय बाय फ्रेंड्स।